बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से जो लोग कोरिया जाना चाहते हैं उसके लिए एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक है जी, कोरियन लैंग्वेज टेस्ट, क्योंकि कोरियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है और बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में कोरियन लैंग्वेज इस मकसद के लिए सीखी भी हुई है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो कोरियन लैंग्वेज टेस्ट है ये कौन कंडक्ट करता है, इसके लिए अप्लाई कैसे करना होता है, ये मैं गाइड करना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये कोरिया की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोली हुई है सामने, और ये मैंने खोली हुई है आपकी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट। इन दोनों वेबसाइट्स का जेन्युइन होना ज़रूरी है, आपको जो गाइडेंस है वो सही ताकि मिल सके, कोई फेक गाइडेंस ना हो। तो ये देखें, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन अगर आप गूगल पे लिखते हैं तो उसमें ये वेबसाइट सबसे ऊपर आती है, oec.gov.pk। अगर मेरे पास पीछे मौजूद है सर्च मेरी, ये देखें, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान मैंने सर्च किया है तो सबसे ऊपर ये oec.gov.pk है, बीटा वर्जन, इसको आप ओपन कर लें। ये देखें, ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की जेन्युइन वेबसाइट है। तो ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये इसका टेस्ट कंडक्ट करती है, ठीक है। और ये देखें, इसका रिज़ल्ट इन्होंने अनाउंस किया है अभी रिसेंटली, ठीक है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट्स। इस रिज़ल्ट को भी मैं आपको दिखाता हूँ, और ये देखें, इसी में पीछे सारा ये प्रोसेस हुआ हुआ है, ठीक है। ये जनूबी कोरिया का फ्लैग भी लगा हुआ है इसमें, टेस्ट फी चलान फॉर्म यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये प्रोसेस इसमें चल रहा था पिछले महीनों में, तो वो अब टेस्ट होने के बाद कंप्लीट हो गया, तो टेस्ट होके अब रिज़ल्ट भी आ गया है इसका। तो नेक्स्ट ईयर अब आप अप्लाई कर सकते हैं, साल के बाद ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं कोरियन लैंग्वेज का। और टेस्ट की मियाद 2 साल तक होती है, 2 साल तक आपको अगर आपकी स्किल के रेलिवेंट जॉब मिल जाती है तो फिर आप कोरिया में जा सकते हैं, वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पिछला जो प्रोसेस था इनका, ये पुराना चल रहा था सारा, ठीक है जी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ मज़ीद। ये देखें ज़रा, ये डाउनलोड में मेरे पास एप्लीकेंट लिस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ये यहाँ से पीडीएफ आप ले सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है उसकी वेबसाइट से ये लिस्ट आ गई है, जो रिज़ल्ट आया है। और इसमें दिखाने की चीज़ ये है कि टेस्ट को क्लियर जिन लोगों ने किया है, ये कोरियन एम्बेसी के तावन से पाकिस्तान ओवरसीज़ फाउंडेशन जो है इस टेस्ट को कंडक्ट करती है और इसका रिज़ल्ट वगैरह। तो इसमें तकरीबन कहने 3,000 के करीब हैं कैंडिडेट टोटल जो के पास हुए हैं कोरियन लैंग्वेज टेस्ट में। तो ये देखें, ये जा रहा है और ये 2854 इसमें है, 55 पेज है ये पीडीएफ के, जो कि इनका रिज़ल्ट है, ठीक है। तो बाकी अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं जो कि इनकी वेबसाइट है उसके ऊपर क्या क्या है। तो ये देखें, ये वेबसाइट है कोरिया की, और इसके इसको अगर आपने सर्च करना तो ये देखें, ये TOPIK, ठीक है, TOPIK, ये आपने सर्च करना है गूगल के ऊपर। ये देखें, मैंने यहाँ पे सर्च किया टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन, ठीक है। ये इस तरह से, ये TOPIK, और इससे पहले आप ESP अगर लगा देंगे ना, ESP TOPIK, तो ESP स्टैंड फॉर एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम, ठीक है, इसको सर्च कर लें, इसको पूरे को ESP TOPIK। तो ये कोरिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है joyofkorean.com, ये खुल जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये आपको गाइड कर देंगे कि जो इसमें टेस्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तैयारी कैसे करनी है आप लोगों ने, ठीक है, और कौन इसका टेस्ट कंडक्ट करता है। डेफिनेटली ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की हेल्प से ये टेस्ट कंडक्ट होता है। ये सारी डिटेल्स यहाँ से आप रीड आउट कर लें, बहुत लंबा इसमें हो जाएगा, मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ जो कि आपको पर्पस इसका क्या है कि ये टेस्ट जब आप पास कर लेंगे तो अगर आपकी रेलिवेंट स्किल्स आपके पास हैं और कोई जॉब आती है 2 साल के अंदर तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, 19 से 39 साल आपकी एज होनी चाहिए मेल और फीमेल दोनों के लिए, एप्लीकेंट के लिए। 39 से अगर ऊपर हो गए फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते।
क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो जो कि दूसरे कंट्रीज़ के लिए होती है, इलीगल डिपोर्टेशन ना हुई हो साउथ कोरिया से, ठीक है। ये बेसिकली साउथ कोरिया को ही ज़्यादा पाकिस्तान से लोग जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के साथ अमेरिका के जो तल्लुकात हैं वो ठीक नहीं हैं, तो ज़्यादा जो है वो साउथ कोरिया की तरफ ही रुझान है। पर्सन नीड्स टू बी फ्रॉम एलिजिबल नेशंस। अच्छा जी, पाकिस्तान एलिजिबल नेशन है डेफिनेटली। देर शुड बी प्रॉपर फिजिकल मेंटल फिटनेस टू वर्क इन कोरिया। बहुत कमज़ोर नहीं होना चाहिए बंदा जो जा रहा है, या बीमार नहीं होना चाहिए। कोरिया में अगर आप पहले गए हैं तो उसमें छोड़ के ना आ पाए हो, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसको छोड़ के वापस ना आए हो, ये कंडीशंस हैं। और टेस्ट इनका होता है, देखें, लिसनिंग होती है 20 क्वेश्चंस और 100 पॉइंट्स और 25 मिनट्स, और रीडिंग 20 क्वेश्चंस, 100 पॉइंट्स, 25 मिनट्स। इसकी अलग से मैं वीडियो एक बना देता हूँ कि टेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ठीक है। इसी चैनल पे मैं उसको अपलोड कर देता हूँ इन डिटेल। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ इसमें। इसमें आप दो मेथड चूज़ कर सकते हैं, पेपर बेस्ड टेस्ट भी आप ले सकते हैं और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी आप ले सकते हैं। ये 20-20 क्वेश्चन जो हैं ये आपने सॉल्व करने, 50 मिनट टोटल टाइम होता है इसमें। और कोरियन लैंग्वेज, सोसाइटी, कल्चर, इंडस्ट्री, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये सारी इसमें, ठीक है, ये कवर होती है। और यहाँ पे इसकी डिटेल जो है मुकम्मल दी गई है, कंटेंट क्या होता है, किस तरह से ग्रामर होगी और प्रैक्टिकल डेटा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वगैरह से मुतल्लिक क्या चीज़ें होंगी, ठीक है जी। तो ये सारी इसमें दी गई है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक आपने ऑप्शन चूज़ करना होती है। लिसनिंग सेक्शन में क्या क्या होगा, ठीक है। अच्छा जी, 80 मार्क्स अगर आपके आ जाएँ 200 में से तो आप पास हो जाते हैं, 80 मार्क्स 200 में से। तो प्रोसेस वही है अप्लाई करने का, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट को विज़िट करते रहें। नेक्स्ट ईयर आप जो है टेस्ट होना है दोबारा, तो फिर उसका रिज़ल्ट आएगा, तो उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। अभी तो ये 3000 बंदा जो पास हो गया यही अप्लाई करते जाएंगे जो जॉब्स आएंगे उनमें। वैलिडिटी 2 ईयर्स की है। ये सारी बेसिक्स मेरा ख्याल है मैंने इसमें कवर कर दी हैं टेस्ट की भी। टेस्ट की वैलिडिटी 2 साल तक आप जॉबों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सेंटर्स इसमें दिए हुए, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में एक ही सेंटर है ये, देखें, ठीक है। इसके अलावा किसी सेंटर में कभी भी या किसी और चैनल के थ्रू पैसे ना जमा करवाएं। सिर्फ ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन एक वैलिड सोर्स है कोरिया जाने के लिए, और जो वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसमें ये कह रहे जी वंस अ ईयर कंडक्ट किया जाता है। एग्जामिनेशन फ़ी $20 से $40 तक होती है। $20 बनते हैं 4800 रुपया पाकिस्तानी, ठीक है, तकरीबन। और $40 बनते हैं तकरीबन 10,000 रुपया, ठीक है। ये 5,000 से 10,000 रुपया के दरमियान इसकी फ़ीस है। और वो दोबारा गुजारिश की कि सिर्फ ओवरसीज़ फाउंडेशन पाकिस्तान जो है उसकी जेन्युइन जो वेबसाइट है उसके थ्रू अप्लाई करके फिर ही फ़ीस वहाँ से वोचर वगैरह लेके जमा करवाएँ, और फेक किसी चक्कर में ना फंस जाएँ। अच्छा जी, तैयारी कैसे करनी है। कोरिया ने एक बुक पब्लिश की हुई है, स्टैंडर्ड कोरियन टेक्स्ट बुक, ये आप ले लें, स्टैंडर्ड कोरियन टेक्स्ट बुक, ठीक है, या मंगवा लें। अगर आपकी सिटी से नहीं मिल रही तो लाहौर वगैरह से मिल जाएगी ये, या कराची से मिल जाएगी, बड़े सिटीज़ में अवेलेबल है स्टैंडर्ड कोरियन टेक्स्ट बुक। अगर आपने ये बुक नहीं मंगवानी तो ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये बहुत आसान तरीकाकार है, इस लिंक से इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें। इसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है जो कि टेस्ट में आता है, ये देखें। इसके अंदर उन्होंने कहा टर्म्स ऑफ रीडिंग, लिसनिंग, स्टडी मटेरियल है, सैम्पल पेपर्स हैं, ठीक है। तो ये ई बुक आप ले लें अपने लैपटॉप पे, इसको डाउनलोड करें और वहाँ से पढ़ते रहें, बहुत आसान तरीकाकार है। अच्छा, एक और तरीकाकार बताता हूँ, ई बुक ले कर फोटोस्टेट पर चले जाएँ। जो फोटोस्टेट वाले हैं वो इसका प्रिंट दे देते हैं, 2 रुपये पर पेज लेते हैं, ठीक है। 2 रुपये पर पेज में आपको ये पूरी बुक प्रिंट कर देंगे, अगर आपने प्रिंट में लेनी है। ई बुक यहाँ से डाउनलोड कर लें, ये देखें लिंक दिया हुआ है, ये लिंक दिया हुआ है, ये वाला, ये लिंक है, ठीक है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो बुक आ जाएगी और बुक को डाउनलोड कर लें। मेरे पास ऑलरेडी कोरिया के हवाले से ये देखें बहुत सारी चीज़ें डाउनलोडेड हैं, तो मैं इस बुक को डाउनलोड नहीं करना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेबसाइट की इंफॉर्मेशन ख़त्म हो गई है। कोई आपका नीचे ये कमेंट्स हैं लोगों के, यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस सिलसिले में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मेरे से तो आप कमेंट में जो क्वेश्चन है उसको लिख सकते हैं, ठीक है।
मैं उसका इंशाल्लाह रिप्लाई आपको कर दूंगा।